हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय एजुकेशन चैनल प्रभावी एजुकेशन अप। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस पार्ट। पार्लियामेंट्री कमेटी वाला जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, चैप्टर 23 है, 23.2। तो एक पार्ट इसका ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, जिसमें ब्रीफली मैंने बताया था आपको कि पार्लियामेंट्री कमेटीज होती क्या है। एंड मैंने आपको ओवरव्यू दिखाया था कि कितनी कमिटीज हैं, स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है और एडहॉक कमेटी वगैरह, ये सारी बातें मैंने बताई थी। अब हम लोग इस वीडियो में डिटेल वाइज पढ़ेंगे एक एक कमेटी को, डिटेल वाइज क्या करती है वो, क्या रोल है, क्या लिमिटेशंस है उनकी, एंड उनकी इफेक्टिवनेस है भी कि नहीं है, तो सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यूपीएससी के लिए जो मैं कंटेंट ला रहा हूँ, आप मेरे वीडियोस को देख लेना, प्रीवियस वीडियोस। इंडियन इकोनॉमी की एक सीरीज है, बहुत ही अच्छी है। अगर आपको टारगेट कर रहे हो कि 4 से 5 दिन में आपको ख़त्म करना हो इंडियन इकोनॉमी का पूरा सिलेबस, जनरल सिलेबस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑप्शनल पार्ट, ये जनरल यूपीएससी के लिए मैं बता रहा हूँ। सिविल सर्विसेज किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो 5 दिन मैक्सिमम है, 57 आवर्स का टोटल कोर्स है, लगभग 10 से 12 घंटे के आसपास आपको पढ़ना पड़ेगा डेली। देन लास्ट में यू हैव टू डाउनलोड द PDF सो दैट यू कैन रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स। दे आर वेरी प्रिसाइज एंड दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द रिविजन। एंड पता ही है कि UPSC में कितना रिविजन चाहिए। UPSC इज ऑल अबाउट रिविजन। UPSC इज नॉट अबाउट कि आप एक ही चीज़ को 10 जगह से पढ़ रहे हो, इट्स अबाउट कि एक ही चीज़ को कितनी बार पढ़ रहे हो। तो ये सक्सेस मंत्रा है, यही लोग जो टॉपर्स होते हैं वो भी फॉलो करते हैं, जो भी क्रैक करता है। दिस इज द बेसिक, किसी भी चीज़ की कोई बेसिक होती है, इसकी ये बेसिक है। तो इस सीरीज का भी जो कि इंडियन पॉलिटी का है, कवर करने के इमीडिएटली बाद मैं आपको PDF दे दूंगा, जिससे कि आप इसको भी मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सको। चलिए शुरू कर देता हूँ। फाइनेंशियल कमिटीज के बारे में जानेंगे। ये बेसिकली 3 कमिटियाँ इसमें, पब्लिक अकाउंट कमिटी एंड एस्टिमेट कमिटी एंड कमिटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये 3 कमिटियाँ हैं, इनको एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं पब्लिक अकाउंट कमिटी क्या होती है। ठीक है, तो मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। देखिए, जो फाइनेंशियल मैटर्स है उसके लिए, बेसिकली फाइनेंशियल मैटर जो सरकार डील करती है उसके लिए, उनको थोड़ा उन पे सुपरवाइज करने के लिए, उनको ऑडिट करने के लिए, उनकी वैलिडिटी देखने के लिए, इन सब पर्पस के लिए ये कमेटी है, जो कि अपना काम बखूबी करती है। हालांकि ये पोस्ट मॉडर्न टाइम टाइप करती है, मतलब कि पहले इसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, जब खर्च हो जाती हैं सारी चीज़ें तब ये काम करती है, तब ये ऑडिट करती है, अपना ऑडिट को देखती है, उसको सोचती है, उस पर उसकी वैलिडिटी वगैरह को चेक करती है। तो इसका काम समहाउ आप कह सकते हो कि पोस्टमार्टम टाइप का है। एनीवे, इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो सेटअप किया गया था इसको फर्स्ट टाइम जब हम लोग, हमारे ऊपर ब्रिटेन का शासन था 1921 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919, उसी के प्रोविजन में ये बात थी कि फाइनेंशियल कमेटी को सेटअप किया जाएगा। एंड उसी के डायरेक्शन पे, उसी के प्रोविजन के हिसाब से 1921 में ये कमेटी बनाई गई थी, जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो सेटअप इसका हुआ था 1921 में। प्रेजेंट में इसमें 22 मेंबर हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से आते हैं एंड 7 राज्यसभा से। तो देखिए, ये कमेटी जो है इसमें दोनों के मेंबर होते हैं, दोनों हाउसेस के, लोकसभा के भी और राज्यसभा के। हाउएवर, लोकसभा के ज़्यादा मेंबर आते हैं, यहाँ पे 15 मेंबर आते हैं, लेकिन राज्यसभा के 7 आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कॉम्पोजिशन है इसका, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि कितने मेंबर होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में, एंड उनमें से भी ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि कितने लोकसभा में से होते हैं या कितने राज्यसभा में से होते हैं। बहुत ही क्लियर है, टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिनमें से 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। अगला पॉइंट है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो जो इसमें सिलेक्शन, जो इलेक्ट किए जाते हैं ये लोग, ये जो 22 मेंबर हैं, वो कैसे चुने जाते हैं? तो वो चुने जाते हैं सिंपली, अब देख लो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जो राष्ट्रपति का होता है चुनाव, वो भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। जो राज्यसभा के मेंबर्स की चुनाव होती है, वो भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। एंड वहाँ पे भी सेम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब
जो लोग चुनने वाले होते हैं वो अपने वोट की वैल्यू ट्रांसफर करते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा चुने जाते हैं ये लोग। ये 1 ईयर के लिए चुने जाते हैं, तो हर साल इनका चुनाव होता है। कमिटी के मेंबर्स का ड्यूरेशन 1 साल 1 ईयर के लिए होता है। एंड एक बात और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि मिनिस्टर यहाँ पे चुने नहीं जा सकते एज ए मेंबर ऑफ ए कमिटी। कभी भी एक मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, वो किसी भी कमिटी का मेंबर नहीं चुना जाएगा। स्पेशली अगर बात करें तो पब्लिक अकाउंट कमिटी का का मेंबर नहीं चुना जाएगा एक मिनिस्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चेयरमैन। अभी चूंकि अब 22 मेंबर हैं तो एक चेयरमैन भी होना जरूरी है। तो इन्हीं मेंबर्स में से एक किसी बंदे को अमंगस्ट इट्स मेंबर बाय स्पीकर, तो इन्हीं जो 22 लोग हैं उसी में से किसी एक को चुन लिया जाता है स्पीकर के द्वारा। एक ट्रेंड था अंटिल 1967 67 तक कि वो जो चेयरमैन होते थे वो रूलिंग पार्टी के होते थे, लेकिन 1967 के बाद ये ट्रेंड चेंज हुआ और 1967 के बाद अब जो चेयरमैन होते हैं वो अपोजिशन से आते हैं, रूलिंग पार्टी से नहीं आते। तो ये एक जस्ट एक इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, इसका फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन परफॉर्म करती है पब्लिक अकाउंट कमिटी। तो देखिए फंक्शन तो इसके वेराइड है, बहुत सारे फंक्शन करती है ये। इनमें से मेन जो है वो एग्जामिन द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएजी। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो बहुत सारी ऑडिट करते हैं, उनके एनुअल ऑडिट को एग्जामिन करना, उनको उनके ऑडिट को देखना, उसको उसकी वैलिडिटी को जांच करना, ये सारा काम होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का। और इसमें सीएजी काफी सपोर्ट करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं वो एज ए फ्रेंड, एज ए यू नो काउंसलर, मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं। सीएजी का सपोर्ट फुल मिलता है इन कमेटियों को, वो अपने ऑडिट रिपोर्ट को पूरा समझाते हैं, इनको जांच करवाते हैं, तो पूरा सपोर्ट देते हैं। और ये जो ऑडिट रिपोर्ट होता है सीएजी का, वो बेसिकली कौन रखता है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में रखते हैं प्रेसिडेंट। ऑडिट रिपोर्ट को प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में रखते हैं। एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये भी इसका भी इसको भी चेक करना, इन सबको एग्जामिन करना, चेक करना, इनकी जांच करना काम है पार्लियामेंट्री कमिटीज का। जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने आपको बताया था कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, कंसोलिडेटेड, इसलिए मैं कहता हूँ मेरी सारी वीडियो देखना, आपको कनेक्टिविटी बनी रहेगी। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बिना वोटिंग के, बिना अप्रोप्रिएशन के, बिना बिल लाए। अप्रोप्रिएशन क्या होता है, एक बिल होता है, मतलब पैसा बांटने के लिए एक बिल लाया जाता है, उसको पास किया जाता है, तभी वहां से पैसा निकलता है। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी ऑडिट करते हैं सीएजी, और उसको एग्जामिन करता है पार्लियामेंट्री कमिटी। ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल अकाउंट को भी एग्जामिन करते हैं पार्लियामेंट्री कमिटी वाले। एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग, जो सरकारी जो कंपनियां हैं, मिनी रत्न, महारत्न, वैसी कई सारी कंपनियां हैं जिनका भी ऑडिट जो निकल के आता है सीएजी के द्वारा, और उसकी जांच करता है कौन, पार्लियामेंट्री कमिटी। बट एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कि सेपरेट उसके लिए कमिटी बनी हुई है, कमिटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग, उन उन सारी कंपनियों को ऑडिट करने का पावर इस पब्लिक अकाउंट कमिटी को नहीं है। उनमें जो नहीं है जो कंपनियां, उनको डेफिनेटली ये ऑडिट कर सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, इसका नॉट ओनली लीगल एंड फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू होता है जांच करने का, दैट इज टेक्निकल इरेगुलरिटीज वगैरह को फाइंड आउट करना, उसको पता लगाना, उसको बताना, उसकी जांच करना, जबकि इसका इट हैज ऑल्सो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमी एंड प्रूडेंस एंड विजडम एंड प्रोप्राइटी। मतलब कि क्या कोई जो पॉलिसी है वो इकोनॉमिक थी, उसमें प्रूडेंस था, उसमें कोई बुद्धिमत्ता थी, ये सारी बातें भी ये लोग जांच करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं, लेकिन वही मतलब सब कुछ होने के बाद तो एक पोस्टमार्टम टाइप के काम करते हैं ये। पहले इनके पास कोई पावर नहीं है जांच करने का या फिर इन्फ्लुएंस करने का पॉलिसी को, इनका जो एडवाइस होता है वो भी बाइंडिंग नहीं होता है सरकार के ऊपर, जो मिनिस्ट्रीज होती है उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है। ये सारी कुछ कंपनी कमियां हैं जिनको हम अलग यू नो हेड में देख लेंगे।
नेक्स्ट है, अगर मोर डिटेल में बात करें इनके फंक्शंस की, तो ये एग्जामिन करते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो मैंने बताया था अभी आपको कि जो पैसा निकलता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो बिना अप्रोप्रिएशन बिल के नहीं निकलता है। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी, मतलब पैसा बजट में जो एलोकेट हो गया और अप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा निकाल लिया गया, अब उसको बाद में ये जाँच करते हैं कि वो क्या उसमें उसी प्रावधानों के हिसाब से खर्च हुआ है कि नहीं। फाइनेंस अकाउंट जो कि सरकार का जो अकाउंट होता है जिसमें वो कलेक्शन करते हैं, जो इनकम साइड है इनका, जो जैसे कि टैक्सेशन सिस्टम वगैरह, तो उसकी भी जांच करते हैं कि कितना पैसा आया, क्या क्या, सारी बातें ये जांच करते हैं। अदर अकाउंट्स लेड बिफोर द लोकसभा कमिटी हैज टू सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट मनी डिसबर्स लीगली अवेलेबल, तो मतलब जो बजट में मनी जो आता है अप्रोप्रिएशन के द्वारा वो लीगली अवेलेबल है फॉर द अप्लाइड सर्विसेज और एनी पर्पस, प्लस एक्सपेंडिचर कन्फर्म्स अथॉरिटी, मतलब जो भी पैसा खर्च हो रहा है वो किसी न किसी अथॉरिटी के अधीन ही खर्च हो रहा है, किसी किस कोई उसमें कोई ना कोई अथॉरिटी है। नेक्स्ट है री अप्रोप्रिएशन, जब भी हो तो वो होना चाहिए अकॉर्डिंग विद द रिलेटेड रूल्स, मतलब कि देखिए री अप्रोप्रिएशन का मतलब ये है कि अप्रोप्रिएशन तो बजट के बाद होता है, सारी बातें मैंने आपको बजट में बताई थी, री अप्रोप्रिएशन भी होता है जब एडिशनल फंड या फिर किसी अलग काम के लिए अगेन पैसा चाहिए, तो उसके लिए री अप्रोप्रिएशन होता है, उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, तो वो क्या जो री अप्रोप्रिएशन हो रहा है उसमें वो रूल को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, इसको भी चेक करना इन सब इन इस कमेटी का काम है जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट कमेटी। आगे बढ़ते हैं, ये एग्जामिन करता है अकाउंट्स ऑफ द स्टेट कॉरपोरेशन, तो सरकारी जो कॉरपोरेशन है उसके अकाउंट को डेफिनेटली ये देखता है, उसकी जांच करता है। ट्रेडिंग कंसर्न्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह के भी अकाउंट्स को ये जांच करता है। तो ये एक सरकार को कहने का मतलब है कि कंट्रोल के लिए ये कमेटी है, ये मतलब एक पार्लियामेंट को और सशक्त करती हैं ऐसी कमेटियां, पार्लियामेंट्री सिस्टम को, जिस जहाँ पे गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव है वो उनके पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, उनको लिमिट करने की कोशिश की जाती है पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा। देन ये अकाउंट एग्जामिन करता है अकाउंट्स ऑफ ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज, तो जो कुछ बिल्कुल स्वायत्त मतलब खुद से ऑटोनोमस, खुद उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, वो खुद ही अपने आप को कंट्रोल करती है, ऑटोनोमस बॉडी हो या फिर सेमी ऑटोनोमस, मतलब थोड़ा सा उसमें रेगुलेशन गवर्नमेंट का है और बाकी खुद ही वो लोग ऑटो रेगुलेटेड है, ऐसी बॉडीज को कहते हैं सेमी ऑटोनोमस बॉडीज। तो इनके अकाउंट्स को भी एग्जामिन करने का रोल प्ले करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, एंड वैसी ऑटोनोमस बॉडियां, सेमी ऑटोनोमस बॉडियां जिनका ऑडिट कंडक्ट किया जाता है सीएजी, उनको तो मतलब उनको ही स्पेसिफिकली पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन करती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, ये कंसीडर करती है रिपोर्ट ऑफ द सीएजी ऑन एनी रिसिप्ट और टू एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक्स। तो देखिए सिंपल सी बात समझो, जिस भी रिपोर्ट जो कि सीएजी ने ऑडिट किया है, उन सारी रिपोर्ट्स को ऑडिट कंसीडर करने का, उसको वेरीफाई करने का पावर पब्लिक अकाउंट कमिटी को है, सिंपल शब्दों में यहाँ पे ये कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, ये एग्जामिन करती है द मनी स्पेंट ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ अमाउंट ग्रांटेड। तो देखिए पैसा हर साल ग्रांट होता है कैसे, बजट के द्वारा। मान लीजिए बजट के में कुछ मान लो कि 1,000 करोड़ किसी भी एक पार्टिकुलर हेड के लिए दिया गया है कि आप यहाँ खर्च करना, लेकिन मान लो वहाँ पे हो गया 1100 करोड़, तो 100 करोड़ ज़्यादा खर्च हुआ, तो उसको भी एग्जामिन करना पार्लियामेंट्री कमेटी का काम है कि भाई ये जो ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है तो उसको भी हम एग्जामिन करेंगे कि वो कैसे खर्च हुआ है, कहाँ खर्च हुआ है, उसकी रिपोर्ट दिखाइए, वो हम लोग जाँच करेंगे, तो ये भी इनका काम है। नेक्स्ट है, कमिटी इज असिस्टेड बाय सीएजी। तो जैसा मैंने बताया कि सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं इंडिया के, उनका काफ़ी सपोर्ट मिलता है इस अकाउंट कमेटी को, पब्लिक अकाउंट कमेटी को, और एक्चुअली इस्टीमेट कमेटी में उनका सपोर्ट नहीं मिलता है, जो मैं अभी आगे अगले स्लाइड में आपको बता दूंगा। यहाँ पे लेकिन सीएजी का 100% वो पूरा हेल्प करते हैं, अपने ही रिपोर्ट जो उन्होंने ऑडिट की है उसको पूरा वो समझाते हैं, पूरा जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए पब्लिक अकाउंट कमेटी को वहाँ पे असिस्ट किया जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा। नेक्स्ट है, इफेक्टिवनेस ऑफ द रोल ऑफ द कमिटीज इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ, अब मैं बताता हूँ कि क्या क्या कारण है जिसके वजह से जो इन कमेटी, ये कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी,
उसका इफेक्टिवनेस उसके रोल का कम लगता है किन कारणों से? तो कारण नंबर वन ये है कि दे आर नॉट कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी इन ब्रॉडर सेंस। कहने का मतलब है कि वो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती हैं। देखो बजट में जो पॉलिसी जो होती है सरकार की, उसके हिसाब से मिनिस्ट्रीज अपना पैसा मांगती है, उसमें पॉलिसी को ये इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। ओनली ये पोस्टमार्टम करते हैं, पॉलिसी के बाद जो खर्च होता है उसको जांच करते हैं बस। दे आर नॉट कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी इन ब्रॉडर सेंस। नेक्स्ट है दे कंडक्ट से पोस्टमार्टम, जैसा मैंने अभी बताया कि बाद में ये सब कुछ हो जाने के बाद ही पोस्टमार्टम करते हैं, और इनको इन्फ्लुएंस करने का किसी भी पॉलिसी को कोई पावर नहीं है। तो कंडक्ट ए पोस्टमार्टम एंड दे कैन नॉट इंटरवेन इन टू द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो मतलब कि सरकार का जो मान लीजिए मिनिस्ट्री ने कुछ पैसा लिया और उसको खर्च कर रही है, तो उसमें वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ये रोज ये देखें कि भाई आप कहाँ खर्च कर रहे हो, इसमें थोड़ा सा इकोनॉमिक होना चाहिए आपको, यहाँ पे ज़्यादा खर्च हो रहा है आपको, इसको इस तरीके से खर्च किया जा सकता है। तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में ये लोग इंटरवीन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट द रिकमेंडेशन आर एडवाइजरी ओनली। तो जो रिकमेंड करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो रिकमेंड करती है वो एडवाइजरी नेचर का होता है, मतलब वो बाइंडिंग नहीं होता है मिनिस्ट्रीज के ऊपर, तो इसका कोई मतलब नहीं है। एडवाइजरी है तो बस एडवाइस की तरह वो लेते हैं और चाहे तो फॉलो करें, नहीं तो फिर इग्नोर भी कर सकते हैं। बाइंडिंग होता तो वो बाइंडिंग हो जाते हैं, उनको फॉलो करना ही पड़ता है इनके रिकमेंडेशन को। नेक्स्ट है दे आर नॉट वेस्टेड विद द पावर ऑफ डिस अलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर बाय डिपार्टमेंट्स। तो जो मिनिस्ट्रीज की जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो पैसा गया है बजट के थ्रू, तो इसको ये ऐसा नहीं बोल सकते हैं। मान लीजिए इन्होंने जांच किया कि भाई इस डिपार्टमेंट के पास ये अननेसेसरी पैसा पड़ा हुआ है, ये खर्च नहीं करना चाहिए यहाँ पे, तो उसको ये डिसअलाउ नहीं कर सकते हैं। अगर पावर होता डिसअलाउ करने का तो पैसा हो सकता है बच जाए। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी बेसिकली पब्लिक अकाउंट कमेटी की। नेक्स्ट है नॉट एन एक्सिक्यूटिव बॉडी हेंस कैन नॉट इशू एन ऑर्डर। तो ये बस एक एडवाइजरी बॉडी है, एक्सिक्यूटिव बॉडी नहीं है। इनके एडवाइस को पार्लियामेंट चाहे तो इम्प्लीमेंट कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है। तो एक्चुअल जो एक्सिक्यूटिव बॉडी है वो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है। तो ये एक अगेन पॉइंट था। अब जानेंगे हम लोग स्कीमेट कमेटी के बारे में। पब्लिक अकाउंट कमेटी को हमने बहुत अच्छे से समझा, आई होप कि आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा एंड दो तीन बार रिवाइज कर लोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इस्टीमेट कमेटी क्या होती है। तो इसका भी ओरिजिन 1921 में सेम 1919 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जिसको मॉरले मिंटो सुधार भी कहते, तो उसी के रिकमेंडेशन पे इस्टीमेट कमेटी बनी थी पहली बार 1921 में। फर्स्ट इस्टीमेट कमेटी अगर बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस आजादी के बाद, तो वो 1950 में बनी थी और ओरिजिनली इसमें 25 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन बाद में 1956 में इन मेंबर को 25 से बढ़ाकर 30 कर दिया गया। तो ये बात है। और अगर बात करें कि ये मेंबर्स आते कहाँ से, कौन से हाउस से आते हैं, लोकसभा से आते हैं कि राज्यसभा से, तो सारे मेंबर ऑल मेंबर्स कम्स फ्रॉम द लोकसभा ओनली एंड दे आर इलेक्टेड बाई लोकसभा एवरी ईयर। हर साल इनका इलेक्शन होता है, मतलब एक साल के लिए होते हैं, एक साल में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट जो मेथड होता है, जो जो प्रिंसिपल है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का है। इसमें अपने सिंगल ट्रांसपोरेबल वोट के द्वारा इसको चुना जाता है इन मेंबर्स को। नेक्स्ट है जो मिनिस्टर होते हैं वो अगेन यहाँ पे इलेक्ट नहीं किए जा सकते एज ए मेंबर ऑफ कमेटी, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, कपड़ा मिनिस्टर हो, खेल मिनिस्टर हो, रेल मिनिस्टर हो, कोई भी मिनिस्टर हो, यहाँ पे कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता है। और जो चेयरमैन होगा कमेटी का, इन 30 बंदों में से ही किसी एक को अपॉइंट किया जाएगा स्पीकर के द्वारा, और जनरली वो रूलिंग पार्टी का ही होता है, तो हमेशा रूलिंग पार्टी का होता है, ओपोजिशन का कभी नहीं होता है। लेकिन उस केस में क्या देखा था आपने, 1967 के बाद ओपोजिशन पार्टी का बंदा वहाँ पे चेयरमैन बनता था। एनीवे ये कमेटी अलग है। नेक्स्ट है इसके फंक्शंस। इसके फंक्शंस हैं एग्जामिन द एस्टीमेट्स इंक्लूडेड इन द बजट एंड सजेस्ट इकोनॉमीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब है जब बजट आता है तो उसमें एस्टीमेट लेके आया जाता है भाई ये खर्च होगा, और वो खर्च उसके हिसाब से होता भी है, और उसके एस्टीमेट को बेसिकली ये एस्टीमेट को जांच करने वाली चीज है। जब एस्टीमेट आता है तो अभी ये पास नहीं हुआ, एस्टीमेट है बस, जब बजट पास हो जाता है तब वो बेसिकली ग्रांट बन जाता है। तो एस्टीमेट को एग्जामिन करने का पावर बजट में किसको है, तो एस्टीमेट कमेटी को है, और ये उन एस्टीमेट को बड़े ही बारीकी से देखती है, और अगर इनको लगता है कि ये एक्स्ट्रा वैगेंट है, ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो उसकी इकोनॉमीज को ये कंसीडर करती हैं एंड उसमें मॉडिफिकेशन का भी सजेशन देती है पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी खर्च होने के लिए बजट में चीज़ें आ रही हैं। नेक्स्ट है
अगर मोर डिटेल में इनके फंक्शंस की बात करें तो ये रिपोर्ट करती हैं व्हाट इकोनॉमीज इंप्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ पॉलिसी। कहने का मतलब है कि जो बजट आता है उसमें कैसे इकोनॉमी लाया जाए, इकोनॉमी का मतलब कि कैसे इतना खर्च किया जाए जितना रिक्वायर्ड है, इकोनॉमी इकोनॉमिक तरीके से मतलब कि बचत तरीके से। तो इकोनॉमीज लाना ये काम है, फंक्शन है, मेजर फंक्शन है एस्टिमेट कमेटी का। कोई मान लीजिए पॉलिसी में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो वो भी ये सजेस्ट करते हैं। इफिशियंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पॉलिसी वगैरह से रिलेटेड ये भी इनका सजेस्ट करना इनका काम है। नेक्स्ट है दे सजेस्ट ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज। अगर ये इनको लगता है कि बजट में मान लीजिए कि जो एस्टिमेट आया है वो उसके जो पर्टिकुलर पॉलिसी है उसके ऑल्टरनेट में भी कोई पॉलिसी हो सकती है तो ये ऑल्टरनेट पॉलिसी भी सजेस्ट कर सकते हैं। उस पॉलिसी को अगर मान लिया गया इनके ऑल्टरनेट पॉलिसी को तो जो पहले वाली पॉलिसी है वो रिप्लेस हो जाती है ऑल्टरनेटिव पॉलिसी से। ये एग्जामिन करते हैं वेदर द मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट्स ऑफ द पॉलिसी। तो देखते हैं कि ये पॉलिसी जो बजट में आ रही है उसमें क्या जो पैसा जो बंट रहा है वो बिल्कुल उस पॉलिसी के लिमिट के हिसाब से है कि नहीं, तो ये भी इनका फंक्शन है। नेक्स्ट है ये सजेस्ट करते हैं द फॉर्म इन विच द एस्टिमेट्स आर टू बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। किस फॉर्म में किस तरीके से पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगा एस्टिमेट, ये भी यही सजेस्ट करते हैं। इनका बेसिक जो काम है वो एस्टिमेट से रिलेटेड है, वो भी बजट में जो एस्टिमेट आता है उससे ज्यादा रिलेटेड है इनका काम। शैल नॉट बी इनकम्बेंट ऑन कमिटी टू एग्जामिन द इंटायर एस्टिमेट्स ऑफ एनी वन ईयर। तो ये क्या होता है कि ये इनके इन पे ये मतलब इनकोवेंट नहीं है, मतलब कि इनको जरूरी नहीं है कि ये लोग जो एस्टिमेट जो एग्जामिन करते हैं इसी के एस्टिमेट पे ही वोटिंग होगी। तो ये लोग अपना काम करते रहते हैं, इनके जो एग्जाम एग्जामिन करने का जो पावर है वो चलता रहता है, कंटिन्यूअस है। तो मतलब इनके पे इनके जो एस्टिमेट ये निकालते हैं उसमें वोटिंग नहीं होती है, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द रोल ऑफ द कमिटी इज लिमिटेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो वो फैक्टर्स जान लीजिए कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस एस्टिमेट कमिटी का रोल जो है वो लिमिट हो जाता है। कुछ कारण है वो देख लेते हैं। नंबर वन है इनका जो एग्जामिन करने का पावर है बजट एस्टिमेट का वो ओनली आफ्टर वोटिंग है, मतलब जब बजट एस्टिमेट में वोटिंग हो जाती है तभी ये उसको एग्जामिन करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं यहाँ पे भी पोस्टमार्टम करते हैं लोग। एंड दे कैनॉट क्वेश्चन पॉलिसी, ये पॉलिसी को देखते हैं जरूर, इसको एग्जामिन करते हैं लेकिन वो पॉलिसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, एस्टिमेट को ही ये लोग यू नो रिवाइज करने के लिए सजेशन दे सकते हैं। तो इनका कोई औचित्य नहीं रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन जो ये लोग देते हैं वो अगेन एडवाइजरी नेचर का होता है, मतलब बाइंडिंग नहीं होता है। मिनिस्ट्री चाहे तो माने ना चाहे तो ना माने, ये भी कारण है कि इनको ये कमजोर दिखते हैं। एग्जामिन्स एवरी ईयर ओनली सर्टेन सिलेक्टेड मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। तो ये क्या होता है रोटेशन वाइज ये लोग हर साल, मान लीजिए इस बार रेल मिनिस्टर मिनिस्ट्री को एंड यू नो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को इन्होंने एग्जामिन करने का टास्क लिया है, तो अगली बार इस रोटेशन पे दूसरे मिनिस्ट्री को लेंगे। मतलब एक साथ सारी मिनिस्ट्रीज को ये एग्जामिन नहीं करते हैं, रोटेशन में करते हैं। तो रोटेशन में होते होते कुछ कई साल लग जाते हैं, तो पूरी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स कवर होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है इट लैक्स द एक्सपर्ट असिस्टेंस ऑफ सीएजी। तो मैंने बताया था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का भरपूर साथ मिलता है, वो पूरा हेल्प करते हैं यू नो उस कमेटी को एग्जामिन करने के लिए, जो वो ऑडिट वगैरह होती है उसमें हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक्सपर्ट असिस्टेंस नहीं मिलता है इनको, एंड इनका जो नेचर अगेन है पोस्टमार्टम टाइप का ही करते हैं। नेक्स्ट आती है पार्लियामेंट्री कमेटी में कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। जो सरकारी कंपनियां हैं, कई सारी कंपनियां हैं जिनके लिए एक सेपरेट कमेटी बनाई गई है, उनके रिपोर्ट्स वगैरह उनके फाइनेंशियल मैटर को एग्जामिन करने के लिए ये कमेटी बनी है। तो जैसे मिनी रतन, गेल, भेल, सेल, ऐसी कंपनियां हैं जो सरकारी हैं जिनपे अभी भी सरकार का स्टेक जो है मोर देन 51% है। तो ये कुछ कंपनियों के ऊपर कमेटी है जो कि उनके ऑडिट वगैरह से रिलेटेड मैटर की जांच करती है। तो देखिए ये क्रिएट की गई थी 1964 में कमिटी ऑन फाइनेंशियल अंडरटेकिंग और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी। तो कृष्णा मेनन कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी मानी जाती है फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड। तो इन्हीं के रिकमेंडेशन पे कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का यू नो क्रिएशन हुआ था।
ओरिजिनली इसमें 15 मेंबर हुआ करते थे, जिनमें से 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से होते थे, लेकिन अभी बात करें तो 1974 में इनकी संख्या को 22 कर दिया गया। तो अभी जो कॉम्पोजिशन है वो 15 लोकसभा से है और 7 राज्यसभा से है। एंड इनका इलेक्शन होता है हर साल, एक साल के लिए चुने जाते हैं, एक साल के बाद फिर दोबारा इलेक्शन होता है और वो मेंबर हट जाते हैं, नए मेंबर आ जाते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अगेन यहाँ भी होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यहाँ भी है। नेक्स्ट है मिनिस्टर्स, यहाँ भी इलेक्ट नहीं किए जा सकते एज ए मेंबर। एंड चेयरमैन जो होते हैं वो स्पीकर के द्वारा चुने जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमेशा जो चेयरमैन होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन नहीं हो सकते हैं। राज्यसभा के 7 मेंबर होते हैं, लेकिन उन 7 मेंबर्स में किसी को पावर नहीं है कि वो चेयरमैन बन जाए। बनता है वही जो 15 लोकसभा से मेंबर है और उसी में से एक को चेयरमैन चुन लिया जाता है, और चुनने का भी पावर ओनली स्पीकर को है, चेयरमैन जो राज्यसभा के उनका कोई रोल नहीं है इसमें। नेक्स्ट है फंक्शंस, इनकी बात करें तो ये एग्जामिन करते हैं रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, जो कि सीएजी के द्वारा एग्जामिन किया जाता है। एंड तो जो भी सीएजी के द्वारा एग्जामिन किया जाता है रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, उसको फर्दर ये एग्जामिन करते हैं कि भाई ये कैसा, क्या इन्होंने सही से रिपोर्ट है कि नहीं, इसमें क्या वैलिडिटी है, सारी बातें ये लोग जांच करते हैं। नेक्स्ट है एग्जामिन करते हैं साउंड बिजनेस प्रिंसिपल एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग। तो इनका जो मोटो होता है वो ये होता है कि क्या जो पब्लिक अंडरटेकिंग है वो साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स फॉलो कर रही है, क्या वो इतनी ऑटोनोमस है कि वो अपने डिसीजंस ले सकती है इंडिपेंडेंटली, एंड उनका जो कमर्शियल प्रैक्टिस है वो अच्छा है कि नहीं है, क्या उसमें कमी है, ये सारी चीज़ों को एग्जामिन करने का पावर कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है। नेक्स्ट है ये एक्सरसाइज करती है सच अदर फंक्शंस वेस्टेड इन द पब्लिक अकाउंट कमिटी एंड द एस्टिमेट कमिटी के अंदर भी जो फंक्शंस होती है, जैसे मैंने आपको दो कमिटियां पहले बताई थी, पब्लिक अकाउंट कमिटी और एस्टिमेट कमिटी, तो उनके भी कभी कभी फंक्शंस को स्पीकर के द्वारा दे दिया जाता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा दे दिया जाता है कमिटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग को कि भाई आप इस पर्टिकुलर फंक्शन को आप परफॉर्म करो। तो जब भी ऐसा टास्क मिलता है इनको तो ये वो टास्क कंप्लीट करती हैं, उसको पूरा करती हैं। नेक्स्ट है दे आर नॉट टू एग्जामिन एंड इन्वेस्टिगेट एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो कुछ चीज़ें हैं जो जिसको ये एग्जामिन नहीं कर सकती, उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती हैं, वो मैटर्स क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला इसमें मैटर्स ऑफ मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बिजनेस और कमर्शियल फंक्शन। तो देखिए सरकार की कुछ पॉलिसी होती है जो पब्लिक अंडरटेकिंग के बिजनेस एंड कमर्शियल फंक्शन से अलग होती है, वो पर्टिकुलर किसी दूसरे एस्पेक्ट में होती है, उन मैटर्स को ये एग्जामिन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मैटर्स ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग। तो जो मैटर है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का पब्लिक अंडरटेकिंग का, उसको ये एग्जामिन नहीं करेंगे। अब ये नहीं है कि अब हर चीज़ को कंट्रोल करने लगे, ये फाइनेंशियल मैटर को ज़्यादातर देखेंगे, अकाउंट प्रिंसिपल बिजनेस कमर्शियल प्रैक्टिसेस को ही देखेंगे, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इनका रोल नहीं है। नेक्स्ट है मैटर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ विच मशीनरी इज एस्टेब्लिश बाई एनी स्पेशल स्टैट्यूट। मान लीजिए कई सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि स्पेशल एक्ट ला के बनाई गई हैं, उसमें कई सारे बातें हैं, उसमें प्रिंसिपल्स मेंशन है जो कि कई सारे मैटर को वो ऑलरेडी यू नो एग्जामिन करती हैं, तो उन मैटर को जो कि इस पर्टिकुलर एक्ट में मेंशन है, उन मैटर को ये कमिटियां अगेन एग्जामिन नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है इफेक्टिवनेस ऑफ द रोल ऑफ द कमिटी इज लिमिटेड बाय द फॉलोइंग। तो अब कुछ कारण और जान लीजिए जिसके वजह से जो ये कमिटी है इसका मतलब रोल जो है लिमिट हो जाता है। पहला उसमें है कैन नॉट टेक अप एग्जामिनेशन ऑफ मोर देन 10 to 12 पब्लिक अंडरटेकिंग इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो एक साल में बेसिकली बता दूं कि 10 या 12 ही ये मैक्सिमम जो है संख्या है पब्लिक अंडरटेकिंग को एग्जामिन कर पाती, इससे ज़्यादा नहीं, तो इनकी कैपेसिटी लिमिटेड है थोड़ी सी। पोस्टमार्टम करती हैं ये भी, बिकॉज खर्च होने के बाद ही ये जांच पड़ताल सब कुछ करती हैं। नेक्स्ट है नो टेक्निकल मैटर्स एज इट्स मेंबर्स आर नॉन टेक्निकल एक्सपर्ट्स नॉट टेक्निकल एक्सपर्ट। तो इसके जो मेंबर होते हैं टेक्निकली उनके पास नॉलेज नहीं होता है, दे आर नॉट टेक्निकल एक्सपर्ट्स। तो टेक्निकल मैटर जो होता है पब्लिक अंडरटेकिंग का, उसको ये जांच नहीं करते। नेक्स्ट जो है रिकमेंडेशन आर एडवाइजरी, इनके भी जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो एडवाइजरी होते हैं, तो पब्लिक अंडरटेकिंग से या फिर जो भी मिनिस्ट्री है उससे रिलेटेड, वो माने तो और ना माने तो उस पर कोई यू नो बाइंडिंग नहीं है। ये सारी बातें थी जो यू नो फाइनेंशियल कमेटी से रिलेटेड थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सवाल आते हैं, इनको आप कई बार रिवाइज करना ताकि आपको बिल्कुल कंटेस्ट हो जाए, आपको याद हो जाए अच्छे से ये सारी बातें।
यही पे ये वीडियो समाप्त करता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में विद द न्यू पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी की अगली जो नेक्स्ट कमेटियां हैं उनको लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पे अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर लेना एंड लाइक जरूर मार दो। थैंक यू, बाय।